नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ उमंग। उत्तराखंड राज्य के 18 साल पूरे होने पर उत्तराखंड के कई जगहों पर स्थापना दिवस मनाया गया था और राज्य के विकास के लिए कई संकल्प भी लिए गए थे, लेकिन आज भी कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आज तक नहीं मिल पा रहा। उत्तराखंड में कई ऐसे कारखाने हैं जहां सरकार और प्रशासन की गलत नीतियों की वजह से वो कारखाने बंद पड़े हुए हैं। वहीं पलायन और बेरोजगारी, रोजगार की समस्या आज भी जस की तस है। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि क्या 18 साल के बाद भी उत्तराखंड को विकास के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा। उत्तराखंड राज्य के 18 साल पूरे होने के बाद भी इस राज्य के विकास को लेकर कई सवाल हैं, जिसमें पलायन को रोकना, बेरोजगारी को कम करना, उत्तराखंड में रोजगार के अवसर लाना, ये सभी ऐसे सवाल हैं जो आज भी उत्तराखंड के विकास के लिए जरूरी हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं इस पर एक विशेष रिपोर्ट। उत्तराखंड राज्य ने युवा अवस्था में पांव रख लिया है और स्थापना के 18 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन प्रदेश के विकास की जो तस्वीर खींची गई, वास्तव में वो धरातल पर कभी उतर ही नहीं पाई, जिसके लिए प्रदेश में सत्ता में रहने वाली सरकारें और ब्यूरोक्रेट्स की गलत नीतियां जिम्मेदार रही हैं। भले ही शुरुआती दौर में केंद्र सरकार के स्पेशल पैकेज के चलते बड़े उद्योगों ने उत्तराखंड का रुख किया और पंतनगर, सिटकुल समेत देहरादून और हरिद्वार में बड़े उद्योग भी लगे, लेकिन समय के साथ साथ कई उद्योग कारखानों का आज तक विस्तार नहीं हो पाया है। ये भी एक पॉलिटिकल इफेक्ट कर जाती है। हमारे यहाँ जैसे टेक्सटाइल नीति बनी, जसपुर में टेक्सटाइल पार्क बना और उसमें टेक्सटाइल की एक इंडस्ट्री लगी, उसने इसी की बेसिस में कि एक टेक्सटाइल नीति है इंडस्ट्री लगाई, पर चालू होने से पहले वो पॉलिसी बंद हो गई। उसके बंद होने से वो इंडस्ट्री नहीं बंद हुई, वो अकेली इकलौती बंद है। उसकी वजह से लोगों में जो कॉन्फिडेंस लेवल है कि यार हम आज ये नीति को लेके हम चल रहे हैं, कल ये नीति अगर बंद हो गई तो कैसे मतलब हाँ वो सर्वाइव। अब इंडस्ट्री के साथ साथ वो इंडस्ट्री का यूथ खराब हुआ, बैंकों के पैसे खराब हुए। पहाड़ों पर विकास हो, इसके लिए कुटीर और लघु उद्योगों का आलाप तो रटा गया, लेकिन प्रदेश की सरकारों की गलत नीतियों के चलते वो उद्योग लग ही नहीं पाए, जबकि कई कंपनियों ने सब्सिडी का लाभ भी लिया और चलते बने। हालात ये है कि इस उद्योग नीति से ना तो प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिला और ना ही कोई उद्योग पनप सका। जिस भावना से बना था, उस भावना के अनुरूप पूरी तरह काम नहीं हुआ। जहाँ तक विकास का सवाल है, विकास कांग्रेस के टाइम पे बहुत बड़ा विकास हुआ। नरेंद्र तिवारी ने अपने टाइम में जितना भी जो भी कुछ कर सकते थे वो इस प्रदेश के लिए बहुत कुछ करा उन्होंने, लेकिन उनके बाद से हरीश रावत जी, बहुगुणा जी आए, उन्होंने भी अच्छा खासा विकास करा और पूरी कोशिश करी, क्योंकि उस समय हमारे पास कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस सरकार के रहते हुए हमें यहाँ पे अच्छा खासा धन मिला, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर विकास करवाया। उत्तराखंड सिटकुल का गठन किया गया है, उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बेरोजगार के बेरोजगार हैं और दिन पे दिन शोषण बढ़ता जा रहा है। हमारी कंपनी से जब हमने ये मांग की, जो हमारे साथ शोषण हो रहा था उसके खिलाफ हमने आवाज उठाई, तो जो प्रबंधक था उसने 180 बंदों को गेटबंदी दे दी गई। हमारी कोई मांग नहीं है, बस हमारी इतनी सी मांग है कि जो 180 बंदे बाहर किए गए हैं उन्हें वापस लिया जाए। बहरहाल उद्योगों को प्रदेश में न्योता तो दिया जा रहा है, मगर स्पष्ट नीतियों के न बनने और ब्यूरोक्रेट्स के काम लटकाने की कार्यप्रणाली से उद्योग प्रदेश से मुंह मोड़ रहे हैं। तो प्रदेश की औद्योगिक नीति न बनने के चलते जहां उद्योग सिमट रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के युवाओं के साथ छलावा भी हो रहा है। वहीं 18 साल में विकास का कोई मॉडल तो सरकारें बना ही नहीं पाई, मगर घोटालों में जरूर सरकार ने नए कीर्तिमान खड़े किए हैं। न्यूज इंडिया के लिए रुद्रपुर से उधम सिंह नगर से योगेश शैली की रिपोर्ट।
तो उत्तराखंड राज्य के 18 साल पूरे हो चुके हैं कल, और आज भी युवाओं के मन में और उत्तराखंड वासियों के मन में व्यापार नीति व नए उद्योगों के लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। आइए इस पे ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हैं योगेश शैली। योगेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। योगेश, जो आजकल बहुत बात उठ रही है, उत्तराखंड ने अपने 18 साल भी पूरे कर लिए, कह सकते हैं अब वो युवावस्था की ओर बढ़ चला है। मगर जब हम युवावस्था की ओर बढ़ते हैं तो हमारा विकास होता है, हमारा नए तरीके से हमको बड़ा किया जाता है, हमें पनपाया जाता है। मगर हम बात करें अगर उत्तराखंड के विकास की, तो उद्योग नीति जो है वो बिल्कुल अपने उस पर खरी नहीं उतरी है। कई उद्योग आज बंद होने की कगार पर हैं, और कई जो ऑलरेडी लगे हुए हैं वो भी अपने एक्सपेंशन नहीं कर रहे हैं, वो भी लगातार बंद हो रहे हैं। तो ऐसा क्या सरकार ने ऐसा क्या कमाल कर दिया, वो जो बोलते हैं कि भाई हमने तो इन्वेस्टमेंट समिट भी करी और बहुत कुछ दावे सरकार कर रही है, मगर फिर भी अगर उद्योग आज बंद हो रहे हैं तो कैसे हो पाएगा उत्तराखंड का विकास? उमंग, आपको बता दें कि राज्य स्थापना के बाद जो मंशा थी इस प्रदेश को जिस तरफ विकास की ओर ले जाने की जी। वो विकास के मंशा के ऊपर ये इस प्रदेश बिल्कुल खरा नहीं उतर पाया। सबसे पहली बात थी कि पर्वतीय राज्य था, पर्वतीय राज्य को जिस तरीके से विकसित करना था, पहाड़ों पर कुटीर उद्योग, लघु उद्योग विकसित किए जाने थे, जो छोटी इंडस्ट्रीज थी उनको पहाड़ों पर विकसित करने का मंशा थी, लेकिन पहाड़ों पर एक भी उद्योग नहीं गया। सिर्फ तराई क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में जो उद्योग लगे, शुरुआती दौर इंडस्ट्रियां आई, एक पैकेज केंद्र सरकार ने दिया था इंडस्ट्रीज को जी। जी योगेश, योगेश आप तक हमारी आवाज आ रही है? लगता है की सरकार बदलती गई और जिसके बाद नीतियां भी बदलती गई, और जिसके मद्देनजर उद्योग बंद होते चले गए, कई उद्योग बंद हो गए और कई बंदी की कगार पर हैं। आपको बता दें कि आज की अगर दृष्टि डालें तो जो नीतियां हैं सरकार की, वो नीतियां इस कदर हैं कि उद्योग आज उनसे यहां से पलायन करने पे ही मजबूर हो चुका है। इसके अलावा योगेश, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। अभी हमारे साथ उद्योगपति योगेश जिंदल जी जुड़ चुके हैं। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद योगेश जी। चूंकि आप खुद एक उद्योगपति हैं, तो सरकार की, उत्तराखंड सरकार की उद्योग नीति के बारे में आपसे बखूबी और कौन जान सकता है, आप बताइए कि ऐसा क्या कारण रहा कि ज्यादातर उद्योगपति अपने उद्योग यहाँ पे या तो लगाना नहीं चाहते, और जो पहले से मौजूद है वो उसको बंद कर रहे हैं, एक्सपेंड नहीं हो रहे, ऐसा क्या है यहाँ पे सरकार की नीतियों में? देखिए, सरकार की नीति जो हमारे नेतृत्व है वो नीति कितनी भी बना ले, नीचे जब तक अधिकारी लोग प्रदेश के प्रति सिंसियर नहीं होंगे जी, प्रदेश के विकास में बाधाएं आती रहेंगी और हमेशा तरक्की नीचे से ऊपर की हो जाती है जी। तो अभी तक हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने या सिटकुल ने कोई ऐसी इंडेक्स नहीं बनाई है कि जो उद्योग हमारे तराई क्षेत्र में लगे हैं उन पर आधारित दूसरे उद्योग पहाड़ में, हम छोटे छोटे उद्योगों को कैसे डेवलप करें जी। पीछे एक दो बार सलाह भी दी गई थी इस विषय पर, तमाम उद्योग ऐसे हैं कि जिन पर आधारित छोटे छोटे उद्योग पहाड़ तक ले जाए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से मेहनत करने की जरूरत होगी, जिस जो कमी अभी तक महसूस होती है जी। तो योगेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी क्या कमी है कि ब्यूरोक्रेट जो है वो उद्योगपतियों का साथ नहीं दे पा रहे हैं, या सरकार उनके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं ले पा रही है, ऐसा क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है खिलाफ नहीं करवा रहे हैं, कुछ बात है, मुख्य चीज है इच्छा शक्ति की। प्रदेश में तिवारी जी के बाद शासन के अंदर इच्छा शक्ति की कमी रही है, जिसके कारण जो विकास था वो थमता गया है। सिंगल विंडो सिस्टम में भी जी, एक नोडल एजेंसी ऐसी बननी चाहिए थी जिसमें कि एक अधिकारी के जिम्मे चार या पांच उद्योग होते, वो व्यक्तिगत रूप से उनकी प्रॉब्लम्स को समझते और जितनी भी समस्याएं उस उद्योग में आ रही हैं, सिंगल विंडो पर एक ही अधिकारी के द्वारा उसे हल किया जा सकता था। लेकिन अभी भी गवर्नमेंट ने सिंगल विंडो तो बना दी है, लेकिन अलग अलग जगह हमें अप्लाई करना पड़ रहा है और उसका सॉल्यूशन 3-3 महीने हो जाने के बावजूद भी नहीं मिल रहा जी। दूसरी चीज,
पहाड़ के अंदर उद्योग न जाने की जो मुख्य वजह है, सेंट्रली जो जमीनों को नोटिफाई किया गया जी, उससे भी पहाड़ के अंदर उद्योग न जाने के लिए हतोत्साहित हुए हैं जी। उन्हें ये चाहिए था कि उस लिमिटेड जमीन को, सीमित जमीन को नोटिफाई किया जाता कि वो यहाँ उद्योग नहीं लगेंगे, बाकी उद्योग आप कहीं भी लगाएं, क्योंकि प्रदेश इतना छोटा है और यहाँ इतनी छोटी पूंजी के लोग हैं उत्तराखंड के अंदर जी, कि वो सिटकुल की जमीन पर ही उद्योग लगाएं ये संभव नहीं है जी। आज भी अगर कोई उद्योग लगाना है तो परमिशन लेने में महीनों लग जा रहे हैं व्यक्तिगत जमीन के ऊपर उद्योग लगाने के लिए, और सरकार से परमिशन नहीं मिल पा रही है। इवन 143 या दाखिल खारिज भी तहसील स्तर पर 4-6 महीने में हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में उद्यमी उत्तराखंड में आकर उद्योग लगाए जी, तो जो जिसे उत्तराखंड में रहना वो तो उद्योग लगाएंगे, लेकिन बाहर का उद्यमी क्यों आएगा यहाँ पर जी। योगेश शैली, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी जिंदल साहब ने बताया कि सरकार और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो बिल्कुल लगभग साथ नहीं दे रहे हैं उद्योगपतियों का उद्योग लगाने में, और एक एक उनको किसी भी चीज़ की परमिशन लेने के लिए उनको 4-6 महीने लग जाते हैं, तो फिर सरकार ये दावा कैसे कर सकती है इन्वेस्टर समिट में हमने इतने करोड़ों के हमने इन्वेस्टमेंट करे हैं, तो जब वो पुराने उद्योगों की तरफ ही ध्यान नहीं दे पा रही है तो नए जो उद्योग लगेंगे उनका क्या ध्यान रख पाएंगी? बिल्कुल मांग, आपको बता दें कि नए उद्योगों को बुलाने के लिए प्रलोभन जरूर दिए जा रहे हैं, उनको सजीले सपने जरूर दिखाए जा रहे हैं कि सरकार आपके लिए क्या करेगी, लेकिन वास्तविकता ये है कि जब उद्योग यहाँ लगने की पहल शुरू होती है या जो उद्योग लग जाते हैं उसके बाद सरकार या उनके जो नुमाइंदे हैं ब्यूरोक्रेट जो है जी, हमारे देश के अंदर दो पॉलिसी बनी थी जी, टेक्सटाइल पॉलिसी 2014 और मेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2015, और जब तक इन पॉलिसी के अंतर्गत कोई उद्योग लग के आगे आए तो गवर्नमेंट ने उस पॉलिसी के अंदर ही अनेक रूलिंग्स को चेंज कर दिया जी, क्योंकि हिंदुस्तान में महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड की पॉलिसी इंडस्ट्री में 10 पॉलिसी मानी जाती थी, लेकिन उत्तराखंड के अंदर जो 7% का इंटरेस्ट का अनुदान था उसे घटाकर टोटल 25 लाख रुपए कर दिया। इसी कारण आप देखें टेक्सटाइल के अंतर्गत आज उत्तराखंड में केवल एक ही उद्योग आया है उस पॉलिसी को पढ़कर कि 7% इंटरेस्ट सब्सिडी है, लेकिन जब अप्लाई किया तो उन्हें पता लगा कि ये तो 25 लाख रुपए रह गई है सालाना जी। सेम पोजिशन मेगा टेक्सटाइल पॉलिसी 2015 है, इसके अंतर्गत जो 3-4 फैक्ट्रियां लगी उनकी अनुदान की राशि अभी तक शासन द्वारा पास ही नहीं हुई है। तो गवर्नमेंट को ये भरोसा दिलाना पड़ेगा कि जो भी वो पॉलिसी है जी उसे फ्यूचर में चेंज नहीं किया जाएगा, उस पॉलिसी पर ही गवर्नमेंट चलेगी जी, और समय सीमाबद्ध ढंग से उन एप्लीकेशंस का निस्तारण होगा, जो कि सिंगल विंडो में नोडल ऑफिसर हो उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो संबंधित इंडस्ट्री की एप्लीकेशंस को क्लियर कर उन्हें राहत प्रदान करे। दूसरी चीज, पावर की पोजीशन भी उत्तराखंड के अंदर बहुत अच्छी नहीं है जी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जैसी जो सेंसिटिव इंडस्ट्रीज हैं इसमें निर्बाध गति से पावर की जरूरत होती है, और इसमें कंटिन्यूअस पावर की शॉर्टेज का होना, टिपिंग्स का होना, लाइन की मेंटेनेंस की कमी, ये सब चीजें कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को हैम्पर्ड करती हैं। इसके कारण अधिकतर एंटरप्रेन्योर्स मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात जैसे प्रदेशों में जाकर जी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। हमारे योगेश जी, मैं आपको अभी बीच में रोकना चाहूंगा, हम हमारे संवाददाता योगेश शैली के पास वापस आते हैं। योगेश, जैसा कि अभी जिंदल जी ने बताया इतनी सारी जो कमियां हैं, पूरी तरीके से बिजली प्रोवाइड नहीं की जा रही है, इस वजह से उद्योग उत्तराखंड से सरक के और दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, तो सरकार चाहती क्या है आखिरकार? और ऐसे समय में जब लोकसभा चुनाव होने को है, ऐसे में तो कई सरकारें होती है जो पावर में होती है वो
कई प्रलोभन और कई वायदे करती हैं, कई सुविधाएं भी प्रदान करती हैं, मगर इस इन सारी चीजों को देखते हुए ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि सरकार ये चुनाव जीतना चाहती है या लोगों को अपने पक्ष में रखना चाहती है। तो ऐसी क्या कमियां हैं जो सरकार अभी तक दूर नहीं कर पाई है? देखिए, सरकार कहीं ना कहीं सरकार प्लानिंग जरूर करती है, लेकिन वो जो प्लानिंग्स है उन प्लानिंग्स को ब्यूरोक्रेट्स कहीं ना कहीं धरातल पर नहीं उतरने देते हैं। तो योगेश, अगर वो ब्यूरोक्रेट्स मुख्य समस्या है तो सरकार उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेती है? क्योंकि कई बार देखा गया है कि इन सारी चीजों के चलते अगर सरकार कभी चाहती है तो कई के कई ब्यूरोक्रेट्स के तबादले कर देती है, नए वहां पे ले आती है या कुछ एक्शन तो लेती है। भाई ऐसा तो है नहीं कि उत्तराखंड में केवल एक ही उद्योगपति को परेशानी हो, जब सारे उद्योगपति मिलके ये सरकार से शिकायत कर रहे हैं तो ऐसी आखिर क्या मजबूरी है सरकार की कि वो उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले पा रही है? उमंग, आपको बता दें कि जो भी इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को सुनने का कभी सरकार ने प्रयास नहीं किया। यही वजह है कि सरकार ने अपने आईने से जरूर देखा कि इंडस्ट्रीज को डेवलप करना चाहिए जी, लेकिन जो धरातल पे वर्क हो रहे थे उनको कभी देखने की कोशिश सरकार ने नहीं की। और जो ब्यूरोक्रेट्स ने हर बार जो है उनको जो है जो आंकड़े थे उनमें जरूर जो है कहीं ना कहीं उन आंकड़ों को गलत तरीके से सरकार के आगे पेश किया, जो सरकार सामने सही चीज देख ही नहीं पाई। अगर आपको बताएं कि सिडकुल की बात करें तो पिछली जो भी सरकारें आई उन्होंने सिडकुल डेवलप किए, लेकिन सिडकुल जो डेवलप होने थे वो कागजों में डेवलप हुए, पैसा पूरा खर्च हुआ, लेकिन धरातल पे ये स्थिति थी, न कहीं पानी की व्यवस्था थी, न कहीं सीवरेज की व्यवस्था थी, न सड़कें ही बनाई गई उन सिडकुलों में। अब आखिर जो इंडस्ट्री वहां पर आएगी तो उसको क्या इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। सरकार ने कागजों में पैसे खर्च कर लिए, सिडकुल डेवलप कर दिया, लेकिन धरातल पर वो सिडकुल ना तो डेवलप हुआ और जो इंडस्ट्रीज इस स्टेट में आया उस इंडस्ट्रीज को फाइलों में दौड़ाते गए अधिकारी और वो फिर यहाँ से पलायन कर गया या फिर वो यहाँ से छोड़ करके दूसरे स्टेट में उसने जी। तो योगेश, मेरी आवाज आप तक आ पा रही है? अच्छी आवाज आ रही है जी जी जी। लगता है योगेश शैली जो हमारे संवाददाता है किसी तकनीकी खामियों की वजह से उन तक हमारी आवाज नहीं पा रही है। योगेश जिंदल जी, योगेश जिंदल जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब इतनी प्रॉब्लम है, ब्यूरोक्रेट्स सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या आप लोगों की एक कोई कमेटी बनी हुई है जो डायरेक्ट सरकार तक अपनी बात पहुंचा सके और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सके? देखियो, उद्यमी का कार्य शिकायतें करना नहीं होता जी। अगर सरकार एक सही ढंग से बातों को सुन ले और हमारे जो पेपर्स हैं उनका निस्तारण समय से कर दे जी, तो एक अच्छे उद्यमी को बहुत ज्यादा सब्सिडीज की या अनुदानों की आवश्यकता नहीं होती, उसे तो केवल डिसीजंस की आवश्यकता होती है जी। अब उदाहरण के लिए हमने ही 500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स इंडस्ट्रियल समिट में साइन किए हैं जी, लेकिन और हमने अपने डीएम साहब के आश्वासन पर जमीन भी परचेज किए 40 एकड़ भाजपुर में जी, और उनके पास से संस्तुति कर उत्तरांचल सरकार को भेज भी दी गई है, लेकिन वहां पे वो 2 महीने से अटकी पड़ी है और लगातार वहां से हम पर कुछ ना कुछ नेगेटिव टिप्पणियां होकर आ जाती हैं। वहां जो लोग बैठे हैं नीचे अंडर सेक्रेटरी या जो भी अधिकारी या क्लर्क्स बैठे हैं जी, तो जब तक उनके अंदर ये स्टेमिना नहीं होगा कि उत्तराखंड का डेवलपमेंट होना चाहिए और अगर कोई प्रॉब्लम है तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से सिंगल विंडो सिस्टम से कोई अधिकारी चलकर मौके पे आकर ही उसका निस्तारण कर दे, अपने स्पर्श के कि कागजों में महीनों लगाए जाए जी, तो प्रदेश के डेवलपमेंट में समस्या आएगी। एमओयू साइन करना एक अलग चीज है, लेकिन धरातल पर इंडस्ट्री को लाने के लिए काफी एफर्ट्स करने पड़ते हैं। अभी मेरा बेटा गुजरात गया था। जिंदल साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जब अभी आपने ही कहा कि आपके जो वहाँ पे मौजूदा डीएम है उनके कहने पे आपने कुछ एकड़ आपने जमीन भी खरीदी, तो क्या आपने उनको इन इन सारी समस्याओं से अवगत कराया, और अगर कराया तो उनका क्या जवाब था? उन्होंने जो वायदा किया था कि मैं 15 दिन में फॉरवर्ड कर दूंगा देहरादून जी, उन्होंने 15 दिन के अंदर हमारी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर दिया देहरादून, लेकिन 12 एकड़ से ऊपर जमीन खरीदने के लिए हमें राज्य सरकार से परमिशन लेनी होती है जी।
अब एप्लीकेशन वहीं रुकी पड़ी है और 6 महीने का टाइम रजिस्ट्री का है, 3 महीने निकल चुके हैं जी। तो सिटकुल की जमीनें इतनी महंगी है कि अगर कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट लगेगा तो वो आदमी चाहता है कि भाई मैं प्राइवेट जमीन खरीद कर उसके ऊपर प्रोजेक्ट लगाऊं जी, तो उसमें बहुत बड़ी बाधा है, एक लेंथी प्रोसीजर गवर्नमेंट का जिससे सरकार को सरलीकरण की ओर ले जाना पड़ेगा जी। योगेश शैली, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी जिंदल साहब ने बताया कि एक बहुत एक लंबा प्रोसेस है और कई कई कारणों की वजह से उनकी फाइलें जो है वो अटकी हुई है, 3 महीने से वो फाइल अटकी हुई है, तो ऐसे ये अकेले नहीं है, और भी ऐसे उद्यमी होंगे, तो आपकी प्रशासन के किसी व्यक्ति से या किसी मंत्री से इस बारे में कोई बात हो पाई, और अगर हो पाई तो उनका क्या जवाब रहा? देखिए, अगर प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें तो वो इन मामलों में अपना कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ लेते हैं ये कह करके कि फाइलें चल रही हैं और प्रोसेस में है, लेकिन वो प्रोसेस मैंने पहले भी आपको बताया था कि वो प्रोसेस इतने लेंदी है कि उद्यमी उससे पहले ही यहाँ से भागने में अपनी भलाई समझता है। अभी जैसे योगेश जी ने भी बताया उनके उनके प्रोसेस में चल रहा है, लेकिन अब वो 6 महीने का समय रजिस्ट्री करने का है, 3 महीने निकल चुके हैं, अब ये कहीं ना कहीं कार्यशैली पर सवाल उठाता है अधिकारियों की, आखिर रोक क्यों रहे हैं, फाइलों को क्यों रोका जा रहा है जी। योगेश, मैं आपसे यही मतलब मुख्य सवाल ही ये है कि जब सबको पता है कि उस रजिस्ट्री के लिए 6 महीने का टाइम होता है और 3 महीने ऑलरेडी निकल चुके हैं, तो ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों का ये ढुलमुल रवैया कुछ समझ में नहीं आता। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है प्रशासनिक अधिकारियों की कि आखिर वो क्या चाहते हैं या उनकी मंशा क्या है कार्यों को रोकने की, जबकि मुख्यमंत्री का कहना है कि काम को अटकाने के बजाय काम का रास्ता निकालना चाहिए कि कैसे हो सके, वो रास्ता निकालने के बजाय निचले अधिकारी काम को रोकने में ज्यादा अपने आप को समझते हैं कि काम रोका जाए, लेकिन ये काम क्यों रोक रहे हैं ये तो अधिकारी ही बता सकते हैं, उनकी कार्यशैली कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर के सवालों के घेरे में। और जहां तक उद्योगों की बात करें तो उद्योगों के काम अगर इस तरीके से जी तो आज हमारी बहस का मुद्दा था कि कैसे होगा उत्तराखंड का विकास, और उत्तराखंड अपने 18 साल पूरे कर चुका है, और जैसे कि हमने हमारे जो मेहमान साथ में जुड़े थे योगेश जिंदल जी, वो खुद भी एक उद्योगपति हैं, उन्होंने खुद ने अपनी समस्या बता दी, अपना उदाहरण देकर ये बताया कि किस प्रकार से जो सरकारी अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके ढुलमुल रवैये से वो खुद भी परेशान है और इसी तरीके से अन्य उद्योगपति भी परेशान है। तो अगर सरकार का आगे भी यही रवैया रहता है तो हमें नहीं लगता कि उत्तराखंड का उस हिसाब से विकास हो पाएगा जिस हिसाब से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सपने देखे हैं। आज की बहस हम यही खत्म करते हैं और हमारे साथ जुड़े तमाम अतिथियों का हम धन्यवाद देते हैं, और आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज इंडिया। किसके सर सजेगा ताज, कौन होगा राजस्थान का सरताज, सच गई राजनीति की चौपट, ये है राजस्थान का रण। धोरों की धरती पर गरजेंगे सियासत के सूरमा, दिल्ली के दंगल से पहले राजपूताना का रण, विधानसभा चुनावों की सटीक खबर सिर्फ न्यूज इंडिया पर।